साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हाई कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में बताएंगे तथा सरकार जो भर्ती कर रही है उसके बारे में आज बताएंगे। आज ये बताने वाले हैं कि जो हाई कोर्ट में भर्ती प्रोसेस चल रही है वो क्या उनको लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो पूरी जानकारी आज देने वाले हैं। साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखें तथा आप लोग शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी लाभ हो जाए। साथियों हम चलते हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती, अब इसमें यह हो गया कि 2-3 नंबर से जो लोग फेल हैं, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, नंबर है सभी के सभी याचिका बनना। अब आ गई की बात, हम जो हाई कोर्ट में किन किन प्रश्नों को ले जाएंगे, तो हाई कोर्ट में इस समय कुल मिलाकर के 15 प्रश्नों पर विवाद चल रहा है। अब हम एनसीईआरटी की किताबों का साक्ष्य भी ले जाएंगे कि कौन से ऐसे हैं जिसको हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तो उनका हम लिस्ट बना चुके हैं, एनसीईआरटी का साक्ष्य लिख लिए हैं, किस पेज पर है वो भी लिख लिए हैं। तो हमारे पास कुल विवादित प्रश्न हो गए 15, कुल विवादित प्रश्न है 15। अब हम 15 विवादित प्रश्नों को ले जा रहे हैं जिसका साक्ष्य हम एनसीईआरटी और परिषदीय किताब, अब जो भी परिषदीय किताब चल रही है टोटल के टोटल एनसीईआरटी का ही सिलेबस है इस समय। तो कुल हम 15 प्रश्नों पर विवाद लेकर के चले गए। अब हम कोर्ट में इसको प्रस्तुत करेंगे। हमारी पहली जो फाइल की जाए अर्जेंसी लगी हुई है, आज चीफ जस्टिस महोदय मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट इलाहाबाद के, वो आज मीटिंग करने वाले हैं अपने सारे जजों के साथ, रजिस्ट्री के साथ मीटिंग ये करेंगे कि क्या अभी भी ई फाइलिंग हो अथवा हम कोर्ट को खोला जाए। यदि आपका ई फाइलिंग से ही होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई होगी, तो आज ओटीपी मिल जाएगा, उसका डेट मिलने वाला है। यदि ये पता चल जाएगा कि नहीं है, सोमवार से कोर्ट खुल जाएगा, आज पता चलेगा वो भी पता चल जाएगा, कोर्ट खुल जाएगा तो हो सकता है सोमवार से ओपन कोर्ट में ही सुनवाई होगी। हम तो सदैव चाहते हैं कोर्ट ओपन में सुनवाई हो, क्योंकि हमारी फाइलिंग का डेट जल्दी से मिल जाएगा। जो ही आज डिसाइड हो जाएगा कि हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी अथवा ओपन कोर्ट में होगी, तो सभी साथियों आप एकदम रिलैक्स रहें। जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं सभी के सभी रिलैक्स रहें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, इतनी मेरी गारंटी है। अब उसके पास तो जज का भी फैसला है, लेकिन जहां तक हमारे प्रश्नों का विवाद है हम साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं, और कोर्ट हमेशा साक्ष्यों पर चलती है। जैसे बहुत सारे जिन लोगों को, विद्यार्थियों को मेरा नंबर जरूरत है 9807241854 9005363478, ये व्हाट्सएप नंबर है। और ये जो है कालीन दोनों पे हो जाएगा, दोनों हमारी चलती है। साथियों इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बार बार इतना फोन आ जाता है और वहां पर बता पाना बड़ी कठिन हो जाती है किसके हम प्रश्नों का जवाब दें। हर व्यक्ति 5-5, 10-10 मिनट बात करना चाहता है, इसलिए हम इसी के माध्यम से, एक ऐसा ये सरल माध्यम है कि एक बार बना दीजिए और सभी साथियों के पास पहुंच जाए। तो सभी साथियों को ये भी अवगत करा रहे हैं कि आप लोग एकदम चिंता मुक्त रहें, भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हो रही है 17-18 से। अब उसके लिए भाई हम विवश हैं, उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसे कोर्ट खुलेगी हमारी अर्जेंसी फाइल लगी हुई है, हम तुरंत अप्रोच करेंगे कि सर जी बिना हमारा प्रश्नों का विवादित हल किए हुए कैसे भर्ती प्रोसेस स्टार्ट होगी, आखिर में क्यों सरकार इतना करना चाहती है, क्या कारण है। 15 क्वेश्चनों का जब विवाद वहां पर गया था, लड़कों से पैसा लिया गया, जब विद्यार्थियों से पैसा ले लिया गया, तो आखिर में उसका निस्तारण आपने क्यों नहीं किया, क्या आपके विशेषज्ञ नहीं समझ रहे थे कि
एनसीईआरटी परिषदीय किताबों में ये दिया गया, हम ही साक्ष्य उपलब्ध कराए या लड़कों ने साक्ष्य भी दिया था, तो आपके विशेषज्ञ उस पर चर्चा क्यों नहीं किए, क्या बात रहा? और आपको ऐसा चर्चा मिल गई कि जो आउट ऑफ सिलेबस को ही बाहर कर दिया आपने। तो साथियों, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, इन्हीं सारी मुद्दों को हमारे जैसे ही कोर्ट आज पता चलेगी कि सोमवार या मंगलवार तक हमारी सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। और साथी एकदम कतई मत घबरा कि भर्ती प्रोसेस चालू हो गया कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं शुरू से 15,000 भर्ती का एकदम प्रत्यक्ष साक्षी हूँ, 72,825 का एकदम साक्षी हूँ। काउंसलिंग होने के बाद, नियुक्ति पत्र बंटने के बाद भी रुकी हुई है, याद रखिएगा, दो दो साल तक भर्ती प्रोसेस रुकी हुई है। नियुक्ति पत्र कुछ लोगों को प्रिंट होने के बाद घर पहुंच गई थी, घर पहुंचने के बाद भी नियुक्ति पत्र मिली और पुनः हाईकोर्ट का आर्डर आता है कि इनको भी शामिल किया जाए, उनको रोक दिया जाए या भर्ती रद्द, ऐसे भी प्रोसेस होते हैं। तो आप एकदम चिंता मुक्त रहें, जो जब तक विवादित प्रश्नों का हल नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ने सरकार को नहीं देंगे। सरकार क्यों तेजी करना चाहती है, क्या बात है? हाँ ठीक है, उनका मनसा है कि जो है हमारे पास शिक्षकों की कमी है, इस समय शिक्षक की क्या आवश्यकता पड़ गई है जब लॉकडाउन चल रहा है। अभी आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, एक तरफ पैसा नहीं है कि हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, दूसरी की टीचरों की भर्ती नहीं करेंगे, दूसरा आपको कितनी आवश्यकता पड़ गई कि अचानक आप जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको न्यायालय पे लग रहा हो कि लॉकडाउन हो, न्यायालय नहीं सुन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, न्याय सबको मिलेगी, इसीलिए न्यायपालिका को बनाई गई है। तो सभी साथी एकदम आप रिलैक्स रहे, हम 15 क्वेश्चनों पर ले जा रहे हैं, सारे के सारे साक्ष्य उपलब्ध है, एनसीईआरटी की किताब है, उसके पेज संख्या है, इन्हीं प्रश्नों को साक्ष्य ओपन कोर्ट जब खुल जाएगी, हो सकता है 17 तारीख को, सोमवार को, हो सकता है सोमवार से ओपन कोर्ट, ईश्वर करे सोमवार से ओपन कोर्ट हो जाए, तो हमारी पहली फाइल दूसरी फाइल हो चुकी है, अब तीसरी फाइल, बहुत सारे विद्यार्थी डेली फोन करते हैं सर हमको भी जुड़ना है, तो याद रखिए पहले जहां फाइल जाएगी उसी लीडिंग करेगी वो हमारी फाइल लीडिंग करेगी, और उसी के साथ ये भी सारे टैग होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे एक ही वकील के पास जा रहा, हम नहीं चाहते हैं कि 10 वकील से बात करें, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, जवाब लेने में दिक्कत आती है। हमारे वकील साहब महंगे भले हैं, उनको भी यही काम है, लॉकडाउन में महंगा पड़ता है, फाइलिंग करने में प्रॉब्लम आती है, सब कुछ प्रॉब्लम आती है, हर कोई पैसा लेगा। तो सभी साथियों याद रखिएगा, 2, 3, 4 जितने भी हैं, हम कुल 15 क्वेश्चनों को ले जा रहे हैं, विवादित 15 क्वेश्चन हमारे हैं, एनसीईआरटी के हम साक्ष्य दे रहे हैं, कोर्ट पर आप भरोसा रखें, सभी लोगों को कह रहे हैं आप निराश मत हो, कोर्ट पर भरोसा रखें, जब 15 क्वेश्चनों को हम ले जाएंगे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट क्यों नहीं मानेगी आपकी बात, कोर्ट को मानना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कोर्ट हमारी बातों को माने, और अगर 15 क्वेश्चनों का हेर फेर हो गया तो सोच लीजिए कितना उलट फेर होने वाला है। बस ये हम ईश्वर से यही विनती करते हैं कि जो है इस पे सुनवाई हो, और जो भी साथी, और आपको ये भी बता दे कि जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, सबके सब ऑथेंटिक किताब है, अभी हमने मनोविज्ञान का जो लिया है वह जो है यूनिवर्सिटी में चलती है, अलका गुप्ता हो गया, बीडी पाठक हो गया, मालती सारस्वत हो गया, और यूनिवर्सिटी की किताबें आ रही हैं, उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे आपका दिया है जैविक दिया है, अजय और प्रेम दिया है, तो कौन से जो है आत्मगौरव वाला हो गया, इसमें भी विवाद हो जाएगा, क्यों? आप जब किताबों को चलाते हैं वो पढ़ाई जाती है, तो ऐसे जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को क्यों आप डालते हैं? तो साथियों सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप एकदम परेशान ना हो, जैसे ही कोई अपडेट हमारी फाइल की मिलेगी हम आपको तुरंत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा सा हमको रिलैक्स रहने दीजिए, हमको बहुत ज्यादा फोन, इतना फोन आता है कि इरिटेट हम भी होने लगते, बहुत ज्यादा फोन आती है, कंटिन्यू फोन हो जाता है, बिजी हो जा रहा है। तो सभी साथी रिलैक्स रहे, जो भी आपको अपडेट हमको मिलेगी तुरंत हम आपको यूट्यूब के माध्यम से तुरंत हम आपको सूचित करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगा, भले ही आपको बता दें किसी भी कोर्ट में जाए कोई भी आपका वकील रहेगा। हमारे मिर्जापुर के एक कल महिला साथी आई, रो रही थी कि सर हम दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, हमको पता नहीं चल रहा था, हम तो बहुत ज्यादा सर्च किए यूट्यूब पे, तब आपका चैनल हमको दिखाई दिया, आपका जब चैनल देखे तो हमको विश्वास हुआ कि नहीं सर ये सही है,
अब उनको हम दे दिए हैं, पैसा चला गया सर मुझे समझ में नहीं आया। हमने कहा मैडम आप कहीं भी जुड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। तो हम जो अपने ग्रुप को बनाए हुए हैं उसमें जोड़ दिए हैं। जो साथी कोर्ट में जा रहे हैं किसी भी ग्रुप से अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे ही हमको अपडेट मिलेगी कि हमारी डेट की फाइलिंग आने वाली है, हमारा डेट हो चुका है, सबसे पहले मेरी ही फाइलिंग हुई है, तो कृपया करके धैर्य बनाए। आपको जैसे ही सूचना मिलेगी, कहीं से कोई व्यक्ति ग्रुप में जुड़ा हो किसी के साथ जुड़ा हो, हमें नहीं चाहते हैं, इतना बड़ा प्रदेश है जहां जिसको जैसी सुविधा मिलती है वो व्यक्ति वही जुड़ता है। बस ये है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करिए रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। और सभी साथी कहीं भी जुड़े हों, किसी भी के माध्यम से जुड़े हों, हम आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास वकील अच्छे हैं। अशोक खरे को हम रखने वाले थे लेकिन श्रीमान अशोक खरे जी की तबीयत नहीं ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि सर हम जो है इसको हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हम इसको नहीं ले पाएंगे, इस समय हमारी तबीयत खराब है। तो अशोक खरे महोदय जी का तबीयत खराब है, सबसे अच्छा रिकॉर्ड उनका था, पैसा लग रहा था लेकिन हमने पैसा नहीं देखा। फिर जो है श्रीमान सर को हमने किया, श्रीमान सर 2011 के बाद रिजल्ट इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है, शुरू से इनका सर्विस मैटर देख रहे हैं और सर्विस मैटर में इनकी ज्यादा सफलता की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हम श्रीमान सर को तुरंत हम फोन लगाए, श्रीमान सर राजी हो गए, तुरंत पॉकेट मनी दिए और तुरंत हमारी फाइलिंग हो गई। अब जैसे ही अपडेट मिलेगा, कोई घबराए ना, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हमको आपको तुरंत सूचना देंगे। तो साथियों हम कुल कितने विवादित 15 क्वेश्चनों को ले जा रहे हैं। ये सभी लोग पूछते हैं सर कुल कितना 15 को कौन कौन लेके जा रहे हैं, कुल 15 लेके जा रहे हैं, अब कौन कौन लेके जा रहे हैं, 15 प्रश्न लेके जा रहे हैं, तो हम आपको कुछ उल्लेख करते हैं, ज्यादा नहीं पूरा बताएंगे, हम 5-6-7 क्वेश्चनों को जो हमको याद आ रहा है वो हम सब बता दे रहे हैं। जैसे हमारा प्रश्न हो गया नाथ संप्रदाय, सभी याद रखिएगा नाथ संप्रदाय। दूसरा हमारा हो गया प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा हो गया तिल चट्टा वाला, तिल चट्टा। फिर अगला है परिभाषा की है। फिर अगला हो गया राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद और राजेंद्र प्रसाद। फिर आ जाता है एक हिड और हिडन का आ गया विवाद, निस्तारण करना कोर्ट का काम है। एक आ गया FIR, NFIR होता है तो बीच में कामा होता है, गलत दे दिया था, इस तरह अगर लिखा जाएगा तो गलत है, इसमें डांट होना चाहिए। तो इस तरह बहुत अभी और भी परिभाषाएं, डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया। कुल कितने प्रश्न हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ तो हमको याद हो गया, लिखते लिखते याद हो जाती है कौन कौन प्रश्न आ रहे हैं। तो इस प्रकार कुल हमारे पास कुल 15 विवादित प्रश्न हैं। सभी साथी रिलैक्स रहे, ये देखो विवादित प्रश्नों को हम कुछ यहां तक उल्लेख कर दिए हैं। सभी साथी कह रहे हैं हमको इसमें नंबर मिला, इसमें नंबर मिला है, अब वहां कोर्ट में जाने दीजिए, डिलीट नहीं हम मांग करेंगे, हम मांग ये करेंगे जिसका गलत है उनको भी नंबर दिया जाए, जिनका सही है उनको जो है नंबर मत काटा जाए। सभी साथी रिलैक्स रहें, इन प्रश्नों को देख लें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो ऐसे बहुत सारे विवादित प्रश्न हैं, हमारे NCERT का साथ है, जिनको हमको संपर्क करना है ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका कॉलिंग नंबर है, तो व्हाट्सएप पे ही कॉल किया करिए, फोन ज्यादा मत करिए, इरिटेट होते बहुत ज्यादा फोन आता है। तो सभी साथियों से आपसे अनुरोध है कि आपका सफलता जरूर मिलेगी, आप अवश्य सफल होंगे। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।